तो दोस्तों सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में वैकेंसी आई थी तो मैंने सोचा आपको अपडेट किया जाए। वॉक इन इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने ज़रूर जाइएगा। और ये वैकेंसी फार्मेसी में, फार्मेसी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में आई हुई है, ठीक है। तो इंटरव्यू दुबई में ही है, लोकेशन भी दुबई में ही है, और सैलरी तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन लोकेशन और इंटरव्यू दुबई में ही है, ठीक है। और लाइफ फार्मेसी कंपनी का नाम है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड, जिनका मेडिकल लाइन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो वो इंटरव्यू देने ज़रूर जाएंगे। लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी में उन्होंने MOH या DHA और क्या बोलते हैं DOH लाइसेंस होना लाजमी है। और मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा, इस लाइसेंस के बिना आप हेल्थ में, अगर मेडिकल लाइन में अगर आपने क्वालिफिकेशन की है, लेकिन अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है, तो आपको जॉब मेडिकल लाइन में यहाँ पर 99% आपको जॉब नहीं लगेगी। कहीं लग भी गई तो आपसे आपसे 2 महीने 3-4 महीने में वो लाइसेंस लेने का वो आपसे बोलेगा कि आप लाइसेंस दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुश्किल है कि 95% जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। इंटरव्यू और क्या बोलते हैं लोकेशन कहाँ पे है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी हेल्थ है, मेडिकल लाइन से अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो, और उनके पास लाइसेंस है, इस चीज़ एलिजिबिलिटी है, DHA MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये लाइसेंस होगा जिसके पास, उसको आसानी से इजीली, बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हर जगह ये डिमांड रहता ही रहता है। और ये होने के बाद चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, आप सबके लिए, जिससे आपको ये पता चल जाए ये क्या होता है और ये लाइसेंस कैसे मिलेगा। और टाइमिंग है 9 बजे सुबह से 2 बजे तक ये इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू का डेट है 17 जनवरी, 17 जनवरी को आप इंटरव्यू देने सभी जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्स में से भी लेके जाएगा, और जो सर्टिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे लेके जाएगा, जो मांगा जाएगा वो आप दिखाइएगा, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो लेके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि जिससे मेरा वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। जो भी अपडेट, जो भी वॉक इन इंटरव्यू आते हैं, मैं इस पे चैनल पे जरूर डालता हूँ।